किया और मंच पर विराजमान हमारे श्याम सिंह राणा जी बहुत ही दुधारू और बहुत ही होनहार पूर्व विधायक और हमारी पार्टी की बहुत बड़ी कमान हमारे बीच में विराजमान और हमारे बीच में यमुनानगर से पूर्व विधायक पूर्व तो खैर वैसे ही हैं लेकिन मैं आज भी उनको विधायक कहता हूं। हमारे बीच में जिस प्रांगण के अंदर यह प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अजीत बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सम्मानित भाई दिलबाग सिंह जी जो बीच में हमारे बैठे हैं और हमारे बीच में पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा जी इस सभी सभा के अंदर चारों दिशाओं से हमारे यमुनानगर जिले से सभी साथी आए हैं और हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी रोशन लाल जी और हमारे बीच में शहरी जिलाध्यक्ष राजेंद्र बजाज जी और हमारे ओम प्रकाश जी जो जिले के प्रवंचल के जिलाध्यक्ष हैं और बाकी सभी सम्मानित भाई सभी का मान सम्मान इस सभा में और बहुत ही अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से आज जो मैं कहने जा रहा हूं भाइयों हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए आज हम सब यहां इकट्ठित हुए हैं। मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि आज पूरे हरियाणा के अंदर त्राहिमाम भारतीय जनता पार्टी ने जो मचा रखा है उसका जवाब देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी कमान खींच ली है। भाइयों आप लोग देख रहे हो इस सरकार ने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी आईडी के जरिए किसी को मकान किसी के नाम किसी की दुकान किसी के नाम किराएदार को मकान मालिक और मकान मालिक को किराएदार के नगर निगम के चक्कर लगवा रहे हैं। भाइयों क्या ऐसी सरकार की जरूरत थी? अरे हम लोग वोट इसलिए डालते हैं, आम आदमी को क्या चाहिए था? एक लाइट पानी सड़क उसके लिए हम वोट डालते हैं। लेकिन आज चारों तरफ देखो अपने जिले के क्या पूरे हरियाणा के अंदर जो हालात बने हुए हैं कौन नहीं जानता भाइयों? क्या आप ऐसी सरकार दोबारा बनाना चाहोगे? नहीं। हमारे बीच में अध्यक्ष साहब बैठे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं यमुनानगर के चारों विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाने वाली है। हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी वालों को वही बचा देंगे जहां से आए हैं। भाइयों अभी 30 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, आप लोग जान रहे हैं वहां पे क्या हालात हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है, हरियाणा के अंदर क्या कहते थे कि आपकी सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया सबके सब दिल में घुस के बैठ गए कांग्रेस वाले भाइयों, सबके सब दिल में बैठ गए। किसी ने यह नहीं कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो हमारे जैसे भाई कहने लगे हैं कि सबको चश्मा लगाने की जरूरत है। भाई भाई इंडियन नेशनल लोकदल का निशान चश्मा है भाइयों, हमारी सरकार बनने जा रही है लेकिन ऐसे सरकार नहीं बनेगी जैसे मेरी माताएं मेरी बहनें सभी यहां से इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने गली गली मोहल्ले के अंदर एक बार अखबार मार दो, एक बार भाई दिलबाग सिंह की सरकार हमारी नेशनल सरकार बना दो तो आप लोग सभी सुखी रहोगे। भाई भाई आप लोग सभी जानते हो यहां पर दोनों के दोनों विधायक भाजपा